दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको एयरटेल का ऑफिशियल जो 999 रुपये मिल रहा है वो हॉटस्पॉट लेना चाहिए या फिर अनलॉक किया हुआ 1500 रुपये का हॉटस्पॉट लेना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल, आप देख रहे हैं आरपीएम टेक टिप्स। और दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास इसके बारे में कि हमको वो हॉटस्पॉट लेना चाहिए अनलॉक किया हुआ या फिर ऑफिशियल कोई हॉटस्पॉट लेना चाहिए एयरटेल का जो 999 रुपये में मिल रहा है या फिर कोई अनलॉक किया हुआ हॉटस्पॉट लेना चाहिए जो अमेजोन पे मिल रहा है 1500 रुपये का। ऐसे जो मैंने एक वीडियो बनाया था एयरटेल का जो हॉटस्पॉट वाला डिवाइस वाला, उस पर काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आए हैं तो मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा इस वीडियो में कि आपको दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, आपको कौन सा लेना चाहिए। अब दोस्तों हम एक तरह से देखें तो दोनों ही सेम होते हैं, बस यहाँ पे डिफरेंट इतना होता है कि एक अनलॉक किया होता है जिसकी वारंटी आपको नहीं मिलती और एक होता है जो नॉर्मल जो ऑफिशियल होता है एयरटेल की तरफ से आपको मिलता है, उसमें वारंटी भी आपको मिलती है। बट अगर आप मेरी बात माने, मैं जब से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने 2-3 जो है डिवाइस यूज़ किए हैं हॉटस्पॉट जो आते हैं डोंगल हम नॉर्मली बोल सकते हैं उनको, उनमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है, वो अच्छे तरह से वर्क करते हैं। आप उनको एक तरह से प्लग करके रख दीजिए, वो अच्छे से वर्क करेंगे, उनमें 5 साल हो गए 10 साल हो गए कभी भी उनमें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये बात है कि उसका जो कार्ड रीडर होता है वो कभी दिक्कत दे दे आपको, वो रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट उसके लिए हमने वो नहीं लिया है। कार्ड रीडर 30 रुपये का अलग से हम ला सकते हैं, बट अगर जो हॉटस्पॉट होता है वो अच्छे से वर्क करता है, उसमें हमको वारंटी की क्लेम करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर एक तरह से हम देखें तो अनलॉक किया हुआ काफ़ी बेटर हो सकता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि मान लो आपको पसंद आ रहा है एयरटेल का, जो कि उसकी स्पीड अच्छी होती है, आपने देखा होगा उसमें जो हमको स्पीड मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, बजाय कि कोई अनलॉक हम दूसरा कोई कंपनी का लें उसके बजाय, तो हम वो ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं। बट वहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि सिर्फ उसमें हम जो अगर ऑफिशियल लेते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ एयरटेल की सिम का यूज़ कर पाते हैं। अब यहाँ पर इसके चलते हम जो है काफ़ी सारे अमेज़ोन पर आपने देखे होंगे जो अनलॉक किए हुए भी मिलते हैं, जो कि 1500 रुपये मिलते हैं 500 रुपये ज़्यादा में, वहाँ पर आप जियो वगैरह काई की भी सिम जो है वो लगा सकते हैं उनमें और यूज़ कर सकते हैं नेट। अब मान लो आपके पास एक कोई सिम है एयरटेल की, उसमें आपका नेट पैक खत्म हो गया, यानी कि हाई स्पीड नेट खत्म हो गया डेटा। अब आप चाह रहे हैं कि दूसरी सिम आपके पास एक जियो की सिम भी है, उसमें भी आपका नेट अभी रखा हुआ है, उसमें 1 GB एक्स्ट्रा रखा हुआ है आपके पास, वो यूज़ करना है, बट वो आप उसमें लगा नहीं सकते क्योंकि आपने ऑफिशियल ले रखा है एयरटेल का। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है अगर आप अनलॉक करा हुआ लेंगे तो मेरा सजेशन यही है कि अगर अनलॉक किया हुआ लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ फ़ायदा हो रहा है, आप खुद ये ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आप ऑफिशियल लेंगे तो उसमें आपको सिर्फ एक बेनिफिट मिलेगा जो कि है वारंटी का, और सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, नेट सेटर की कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको ऑफिशियल एयरटेल की तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि बहुत कम होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि नेट सेटर में प्रॉब्लम हो और आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, वो प्रॉब्लम कब होती है जब नेटवर्क नहीं मिल रहा होता है या फिर ऐसा कुछ होता है तभी आपको ये प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज नेट सेटर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से अगर माने तो आप अनलॉक किया हुआ ले सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। वो भी एक तरह से हम बात करें तो वो भी एक तरह से ऑफिशियल ही होता है, वो भी एयरटेल ही प्रोवाइड कराता है आपको अनलॉक किया हुआ, एक तरह से हम बात करें तो वो भी एयरटेल ही प्रोवाइड कराता है, बस उसमें कुछ सपोर्ट नहीं होता है, वारंटी नहीं होती, बस ये डिफरेंट होता है दोनों में। तो आप आसानी से ले सकते हैं। और ये रही बात कि डिवाइस कितने कनेक्ट होंगे, तो 10 डिवाइस का आता है वो, 10 डिवाइस से ज़्यादा मुझे नहीं लगता आप कनेक्ट करेंगे। अगर करते भी हैं तो फॉर एग्जाम्पल मान के चले हम कि जो भी आपने सिम लगाई है उसमें 10 Mbps की स्पीड मिल रही है, जो जियो की मान लें हम, जो कि कभी मिलती नहीं है, कॉन्स्टेंटली कभी नहीं मिलती है 10 Mbps की, उसमें कम ज़्यादा होती रहती है, 5 MB भी रहेगी कभी, 10 MB भी रहेगी, 10 से बढ़ भी सकती है। तो एक कम एवरेज मान के चले कि 10 Mbps आपकी स्पीड है उसमें और 10 डिवाइस आपने कनेक्ट कर रहे हैं, तो पर यूज़र आपको 1 Mbps मिलेगी, ऐसा नहीं कि 10 Mbps सभी यूज़र को मिलेगी, तो पर यूज़र 1 Mbps आप अगर नेट यूज़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि 1 Mbps बहुत कम होती है। अगर मान लो आपने और कम मिली, ये तो हम मान के चल रहे हैं एवरेज 10 MB, और मान लो उस टाइम पे आपको 5 MB ही मिली, तो आपको 500 बरा की स्पीड मिलेगी Kbps की, और उसमें आप बिल्कुल भी अच्छे से नेट यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एक साथ आप 10 डिवाइस तो कनेक्ट करने से रहे बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो स्पीड नहीं मिलेगी, तो आपको जान करके आपको जो है एक दो डिवाइस को डिसकनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो 10 डिवाइस इनफ होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 10 ही डिवाइस कनेक्ट कर पाऊंगा मैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो ये यहाँ पे भूल जाइए उसको,
उसको और बिंदास उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनलॉक किया हुआ मेरी तरफ से बिल्कुल आप जो है आपके लिए बेस्ट होगा आप अगर लेंगे अनलॉक किया हुआ तो। और एक और क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम अगर ऑफिशियल जो जो हॉटस्पॉट है उसमें एयरटेल की जो सिम आती है, साथ में एक सिम आती है एयरटेल की, उसके अलावा भी एयरटेल की कोई सिम यूज़ कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं उस सिम को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एयरटेल की सभी सिम उसमें यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो एयरटेल की उसकी सिम जो साथ में आएगी वही यूज़ कर सकते हैं। ये आप कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि आप उसके साथ जो सिम आती है उसके अलावा एयरटेल की कोई सी भी सिम उसमें यूज़ कर सकते हैं अगर वो अनलॉक नहीं है तो। अगर अनलॉक है तो आप कोई भी सिम यूज़ कर सकते हैं, एयरटेल की, जियो की, रिलायंस की, कोई भी सिम जो है वो यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए आपके। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है आपका उससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसका जरूर से रिप्लाई करूंगा। अगर आपको परचेस करना है 999 वाला हॉटस्पॉट परचेस करना है तो उसका भी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको अनलॉक किया हुआ परचेस करना है उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से इस वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, रोजाना मैं आपके लिए टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जानना जरूरी रहती है वो मैं आपको देता रहता हूं चैनल पे। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, उसके जरिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के वीडियोस की लिंक यहाँ पे आ रही है, लास्ट के वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।